This is Biology Chapter 5, Video 2. Today we'll be discussing page 65 of the book, Process of Respiration. The first term is breathing. What is the breathing process? Breathing is simply when we take in fresh air, जब inhalation करते हैं, सांस अंदर भरी जाती है, and giving out the used air. जब हम exhalation करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं. So breathing process is simply your inhalation, सांस अंदर लेना, and exhalation, सांस बाहर छोड़ना. This is a completely mechanical or physical process. The next term is external respiration. External respiration में exchange of air होता है between the environment and the lungs. Next is internal respiration. Internal respiration takes place between the blood and the cells. यानी कि जो oxygen blood lungs से लेके आ रहा है वो cell को दे देगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल ने प्रोड्यूस करी है ब्लड उसको रिसीव कर लेगा टू कैरी टुवर्ड्स द लंग्स. ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है दिस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट कम्स सेलुलर रेस्पिरेशन. ये अगेन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन विच वी वर डिस्कसिंग. Inside the cells of the body, जो digested food आता है, जो glucose आता है, वो oxygen के साथ combine करता है to release energy so that the cell can work. ये glucose digested food से receive हुआ है the blood, oxygen lungs से receive हुआ है again through the blood. Cell को जब ये दोनों components receive हो जाते हैं तब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज करी जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट यूजफुल एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. दिस इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में हम सिर्फ फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और फाउल एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है जहाँ पे फूड की ऑक्सीडेशन होती है यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज होती है. ब्रीदिंग इज इंटायरली फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है. ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है. इनफैक्ट बॉडी की एनर्जी सांस लेने में और सांस छोड़ने में रिड्यूस की जाती है. रेस्पिरेशन के टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ऑल्दो दिस टर्म ATP इज नॉट गिवन इन द बुक बट वी विल स्टिल डिस्कस इट इन द क्लासेस एज वेल. ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है यानी कि सेल्स के बाहर हो रहा है. रेस्पिरेशन इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है यानी कि सेल के अंदर हो रहा है. ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है, रेस्पिरेशन में है. ब्रीदिंग इज कन्फाइंड टू द सर्टन ऑर्गन्स फॉर एग्जाम्पल द लंग्स. रेस्पिरेशन बॉडी के सारे सेल्स में होती है.